You're watching Exposed India. देश में किसानों की अपनी समस्याएं हैं। अक्सर सिंचाई के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, पानी निकालने के लिए उन्हें पंप की जरूरत पड़ती है, और पंप चलाने के लिए डीजल या बिजली की। लेकिन कोई शख्स अगर किसानों की इस समस्या को कम कर दे और बिना बिजली या डीजल के ही पंप चलाकर पानी ऊंचाई तक या खेतों तक पहुँचाने का कोई विकल्प दे दे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है शाबाशी देंगे और उसके गुणगान करते नजर आएंगे, क्योंकि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए किसानों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और उन इलाकों के किसानों को तो और भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके खेत ऊंचाई पर होते हैं। चलिए, आज एक्सपोज इंडिया आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा है जिसका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन राजनीति के चलते उसका प्रयास इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। ये है मंगल सिंह। आधी जिंदगी को पार कर चुके मंगल सिंह को मलाल है कि उनकी ईजाद की गई प्रणाली को चंद लोगों की घटिया नीतियों के चलते इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का सुनहरा मौका नहीं मिल सका। कभी बचपन में खेलते थे आम के पत्ते की फिरकी चिंग बना करके, उससे आइडिया लिया तो हमने एक लकड़ी का वाटर व्हील बनाया और उसके RPM बढ़ाने की कोशिश, 1500 RPM पर हमने डिस्पोजल के गियर लगाए, उससे हमने दो दो पंप, एक नहीं एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और पानी नदी का हमने लिफ्ट करके पेड़ के ऊपर नदी किनारे पर पहुँचाया। तो जहाँ हम ट्रैक्टर से पानी लिफ्ट करते थे उस पाइपलाइन से जोड़ा तो वो हमारा पानी 1 किलोमीटर दूर पहुँचा और सिंचाई, फिर हमने अपने गांव के लोगों की सिंचाई की। इस प्रकार से हमने दूसरे गांव में जहाँ बंजर जमीन पड़ी थी आज से 30 साल पहले तो बहुत कुछ की, वहाँ पर भी लगाए और उनको पानी दिया बना। सरकार की हमारी सहायता ना 0 के बराबर है। मंगल सिंह का कहना है कि भारत सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी मंगल टरबाइन की सराहना की थी। सरकारों के भेजे गए अधिकारी भी इसकी तारीफ करते नजर आए थे। वहीं दिल्ली IIT और विज्ञान शिक्षा केंद्र ने बुंदेलखंड के जल संसाधनों का सर्वे किया और मंगल टरबाइन का आकलन किया। सर्वे करने के बाद पता चला कि मंगल टरबाइन किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। ये एक दिन में 11 घंटे चलती है जिससे 44 लीटर डीजल की बचत होती है। वहीं इसकी खासियत ये भी है कि ये 335 ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी करती है। यही नहीं, मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक में मंगल टरबाइन का जिक्र भी है। नर्सरी पर 1,20,000 लीटर डीजल बचाया जो लगभग 1 करोड़ के होता है, और ये हमारा फिजिकल अचीवमेंट, हमने जितना पानी के अंदर किया वो कहीं राजेंद्र सिंह जिनको जनपुरुष कहते हैं उनसे ज़्यादा हमने पानी कलेक्ट किया है, और हमारा फिजिकल अचीवमेंट है वो शेड्यूल रेट से 1 करोड़ का है। लेकिन यहाँ उल्टा बजाय प्रोत्साहन के तोड़ा जाता, अमेरिका विश्व के दूसरे देश के लोगों को खोज खोज करके इनोवेटर्स को फेलोशिप देता है, कहता है इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, लेकिन हमारे देश में बजाय किसी प्रोत्साहन और सहायता के उल्टा तोड़ा जाता है, प्रभावित किया जाता है छोटी पब्लिक। और आज मुझे 30 साल हो गए हैं, अच्छे प्रॉस्पर व्यक्ति थे लेकिन हम आज टूट चुके हैं पूरी तरह से, विक्टिमाइज थे। चारों तरफ से सराहना मिलने के बावजूद मंगल सिंह को वो ख्याति नहीं मिल सकी जो उसे मिलनी चाहिए। वहीं सरकार की बेरुखी के चलते मंगल सिंह आज गाजियाबाद के खोड़ा की तंग गलियों में आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक हालात भी इस कदर खराब हैं कि उनकी बेटी आज 32 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी करने के लिए वो पैसे तक नहीं जुटा पा रहे हैं। फिलहाल तो 3 दशक से उपेक्षा का शिकार और तिरस्कृत मंगल सिंह दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और आने वाले वक्त में उनके द्वारा किया गया ये काम उन्हें रोजगार दिलाएगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और घर में खुशियां लौट आएंगी। टरबाइन लगाया, कई जगह टरबाइन लगाया है, लेकिन आज भी इनको किसी तरीके से आर्थिक मदद नहीं मिल सकी, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल सकी, और जिसके चलते आज ये मंगल सिंह कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने कई जगह कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कई अच्छी जगह प्रोजेक्ट और कई ऐसे खेतों को हरियाली भरा जीवन दिया है जो कि कई जमीन सालों से बंजर पड़ी थी, लेकिन इनके जिस तरीके से प्रोजेक्ट टरबाइन आया और उसके बाद वो खेत हरियाली से भर गया, एक बहुत महत्वपूर्ण। गाजियाबाद से कैमरामैन
सद्दाम के साथ राहुल शुक्ला एक्सपो दिन में। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।